ईएमएस टीवी के सभी दर्शकों को सनत जैन का सादर नमस्कार। आज हम बात करेंगे राम मंदिर में जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसको लेकर आमंत्रण से जो राजनीति शुरू हुई है वह राजनीति कहाँ तक जाएगी ये भविष्य ही बताएगा। रामतीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा जो आमंत्रण पत्र भेजे जा रहे हैं उसको राजनीतिक आधार पर उन्होंने भेजने का एक सिलसिला शुरू किया है और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को एक ऐसा राजनीतिक मंच बना दिया है कि जिसमें जो राजनीति शुरू हुई है उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों में बड़ी तीव्र प्रतिक्रिया देखी जा रही है। यह माना जा रहा है कि राम जन्म तीर्थ क्षेत्र बोर्ड ने जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आयोजित किया है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में जल्द से जल्द करने की बात रखी है। ज्योतिमठ के शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि भगवान राम का जन्म रामनवमी के दिन हुआ था और कुछ ही महीनों की बात थी, यदि यह उस समय होता तो यह बहुत अच्छा होता, लेकिन बात यह है तब तक तो चुनाव हो चुके होंगे या चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई होगी, तब तो ये प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जैसे अभी किया जा रहा है वैसे नहीं हो सकता था, इसलिए पहले किया जा रहा है। कई जगह ये भी कहा जा रहा है कि जिस मुहूर्त में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो मुहूर्त भी सही नहीं है और इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए थी जो राम तीर्थ जन्म कमेटी द्वारा कर ली गई है। बहरहाल भाजपा और विवादों का नाता है, भाजपा की राजनीति ही विवादों से शुरू होती है, यदि यह कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। विश्व हिंदू परिषद और राम जन्म तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा जो आमंत्रण की राजनीति शुरू की है उसने पूरे देश भर की राजनीति को एक नए अंजाम में पहुंचा दिया है। जो चुन चुन के उन्होंने निमंत्रण पत्र भेजे हैं और उसको एक राजनीतिक शक्ल देने की कोशिश की गई है, धार्मिक कार्यक्रम था और धार्मिक आधार पर जो लोग वहाँ पहुँचते या दो चार पांच लोग होते जो हिंदू धर्माचार होते और वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जाते और बाकी सब श्रद्धालुओं की तरह जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इसमें जो विशेषता दी गई कि हम इनको बुलाएंगे और इनको नहीं बुलाएंगे और विवाद सबसे पहले शुरू हुआ लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी से कि उन्हें पहले तो आमंत्रण नहीं भेजा गया और जब इस पर वाद विवाद शुरू हुआ तो उन्हें आमंत्रण दिया गया, लेकिन इस अनुरोध के साथ कि उनकी उम्र बहुत हो चुकी है, यदि वो ना आए तो बेहतर होगा। कुल मिला के राजनीति की समझ रखने वाले ये जान रहे हैं कि यह सारा कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को केंद्रित करके तैयार किया गया है और इसमें सारा ध्यान सारा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हो, इसके लिए इस कार्यक्रम को इतना विवादित बनाने की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से और भारत सरकार द्वारा जो निर्णय लिया गया कि इसके निर्माण को राम तीर्थ क्षेत्र कमेटी करे, तो ये सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के निर्णय से राम मंदिर बना है, लेकिन इसका श्रेय विश्व हिंदू परिषद और ले रही है और विश्व हिंदू परिषद पूरे रूप से इसमें सक्रिय होकर काम कर रही है। अब विवादों का जन्म इसलिए है कि यदि उद्धव ठाकरे को शिवसेना के जिन्होंने कार सेवा में कार सेवकों ने शिवसैनिकों ने काम किया था तो उसमें राज ठाकरे को निमंत्रण देना और उद्धव ठाकरे को निमंत्रण नहीं देना, यहाँ से राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस में कुछ लोगों को निमंत्रण देना, कुछ को नहीं देना, कुछ राजनीतिक राष्ट्रीय दलों को देना और नहीं देना, तो विवाद तो शुरू होगा और विवाद शुरू हो गया है। अब सत्ता पक्ष को ये सूट कर रहा है कि उन्होंने लोगों को ये इस आमंत्रण पत्र दे के इस राजनीति में फंसा दिया है कि यदि वो आते हैं तो उसकी भी क्रिया प्रतिक्रिया होगी और नहीं आते हैं तो उसकी भी क्रिया प्रतिक्रिया होगी, तो आना और नहीं आना दोनों में मतलब आमंत्रण ने एक बड़ी खलबली राजनीतिक हलकों में पैदा कर दी है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भी निमंत्रण नहीं दिया गया है, जबकि वह उत्तर प्रदेश के हैं, अयोध्या में कार्यक्रम हो रहा है
और कायदे से यदि आपने राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं को बुलाया था तो उन्हें भी आमंत्रण पत्र भेजा जाना चाहिए था जो नहीं भेजा गया। तो विवाद पैदा करना भाजपा की राजनीति का सबसे पहला कदम यहीं से शुरू होता है और वो उस कदम में आगे बढ़ गए हैं। हमें जो जानकारी मिल रही है कि आमंत्रण पत्र को लेकर जो राजनीति शुरू हुई है उसमें विपक्षी गठबंधन भी विचार मंथन कर रहे हैं कि इस राजनीति का मुकाबला हम कैसे करें। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ओर से कि जैसे ही रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद फरवरी माह तक के उन्होंने कार्यक्रम बना लिए हैं। पूरे देश भर से विशेष ट्रेनें आएंगी और वो सारे प्रदेशों से राम भक्तों को लाके और रामलला के दर्शन कराए जाएंगे। उसके साथ ही गांव-गांव में बहुत सारी यात्राएं निकाली जा रही हैं जो रामलला मंदिर को लेके और राम मंदिर की प्रतिष्ठा को लेकर होंगी। तो ये चुनाव का जो समीकरण पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी ने रचा है उसका मुकाबला विपक्षी गठबंधन कैसे करता है यह सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है और उसमें उनकी क्या रणनीति है उसको लेके अब ये कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन भी अपनी राजनीति रणनीति बना रहा है। उस रणनीति में ये कहा जा रहा है कि विपक्षी गठबंधन हो सकता है कि अयोध्या में ही कोई अपनी एक बैठक करे और सारे विपक्षी दलों के नेता एक साथ मिलकर रामलला के दर्शन भी करें और अपने विपक्षी गठबंधन की कोई बैठक भी वहां पर अयोध्या में करें। ऐसा करके वो भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति शुरू की है भगवान राम को लेकर उसका जवाब भगवान राम की तरह ही दिया जाए ऐसी रणनीति सुनने को भी आ रही है। यह भी हो सकता है कि विपक्षी गठबंधन के सभी दल के सदस्य एक साथ अयोध्या में जाके रामलला के दर्शन करें और दर्शन करने के बाद वो अपने आप को राम भक्त बताएं, राम को आस्था का विषय बताएं और इस पूरे मुकाबले को करने की एक संयुक्त रणनीति बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यह किस रूप में होगी कैसे होगी अभी नहीं कहा जा सकता है लेकिन आमंत्रण की जो राजनीति शुरू हुई है और उसके 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसको केंद्रित करके राजनीति कर रही है तो इसका तोड़ निकालने के लिए अब विपक्ष भी एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है और वह भी सोच रहा है कि हम इस आमंत्रण की राजनीति से जो भारतीय जनता पार्टी ने एक नया पैतरा चला है उस पैतरे का मुकाबला हम किस तरीके से कर सकें। बहरहाल विवाद 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 और जहां विवाद शुरू होते हैं वहां पक्ष और विपक्ष अपने आप बन जाता है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह एक हिसाब से बात और विवाद का विषय बन गया है। रामलला पर आस्था कितनी है कितनी नहीं ये तो भगवान जाने लेकिन भगवान राम की जो नाम की लूट है उस लूट में सब लोग ज्यादा से ज्यादा लूटने की प्रक्रिया में आ गए हैं चाहे उसमें पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। धार्मिक साधु संत भी जिस तरीके से उसका राजनीतिकरण किया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं और धर्म में जिस तरीके से राजनीति का प्रक्षेपण हुआ है तो कई लोग तो अब ये भी कह सकते हैं कह रहे हैं कि भगवान राम को एक तरीके से विश्व हिंदू परिषद और राम तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने अपना बंधक बना लिया है जिसको वो चाहेंगे भगवान राम के दर्शन कराएंगे और जिसको नहीं चाहेंगे उसको राम के दर्शन नहीं होंगे। तो अब तरह तरह की बातें हो रही हैं। जब कोई विवाद शुरू होता है तो विवाद में कहां कहां तक बातें जाती हैं इसको कह पाना बड़ा मुश्किल होता है लेकिन यह जो विवाद शुरू हुआ है ये ना तो धर्म के लिए अच्छा है और ना राजनीति के लिए अच्छा है। हम अपनी राजनीति में और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों में यदि भगवान को भी आधार बनाकर और उनकी प्राण प्रतिष्ठा जो हो रही है उस प्रतिष्ठा से भी यदि कोई खिलवाड़ होने लगता है तो इसे अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद।